सो दोस्तों, अभी MWC वगैरह सब कुछ हो गया, काफ़ी नए फ़ोन आ गए हैं। लिटरली ऐसे लोग फोन को फोल्ड कर रहे हैं, डिस्प्ले वगैरह ऐसे एकदम फोल्ड हो रहे हैं, रिस्ट वॉच वगैरह बन चुके हैं। और बाद में अभी आप सोचते हो कि यार DSLR लिया जाए, जबकि एकदम मार्केट में अभी इस टाइम पे उसी प्राइस सेगमेंट पे 48 MP के कैमराज अवेलेबल है, जो कि फ़ोन में है। बट यार, अगर मैं आपको कहूँ कि लिटरली ऐसे पाँच पाँच छेद वाले कैमराज आ चुके हैं, मीन्स नॉट अ रियली DSLR, बट एक मीन्स नोकिया का ही फ़ोन है, जो कि नोकिया ने शोकेस किया था, जिसमें से सिर्फ दो ही कैमराज को कलर दिखता है, बाकी सब ऐसे अंधा ही अंधे की तरह एकदम ऐसे ब्लैक एंड वाइट ऐसे दिखता है। बट यार, काफ़ी अच्छी फोटो लेते हैं और बाद में वो सब स्टिच वगैरह होती है और बाद में प्रोसेस करके काफ़ी हाई ग्रेड हाई क्वालिटी वाली फ़ोटो आपको देखने को मिलती है। बट क्या यही एक सवाल है कि ये पांच कैमरे एक लेंस के कंपैरिजन में बेटर है या फिर डाउनग्रेडेड है? सो बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं कि यार यहाँ सब कमाल है सेंसर और लेंस का। सो यहाँ आपको मैक्सिमम अपर्चर मिलता है, जो कि मीन्स काफ़ी सारे फोन्स में कम भी मिलता है, बट मैक्स टू मैक्स फोन्स में आपको मिलता है 1.6 से 1.8 तक अपर्चर मिलता है, जो कि DSLR में आप 1.2 वगैरह के भी लेंस आप अप्लाई कर सकते हो। बट यार, 1.2 वगैरह के काफ़ी महंगे रहते हैं। बट अगर आप एक फोटो लेते हो, सो वहाँ पिक्सल मैटर करता है और पिक्सल बिनिंग वगैरह ये टेक्नोलॉजी फ़ोन में काम में ली जाती है, जो कि 0.9 माइक्रॉन वगैरह का पिक्सल रहता है। सो उसकी साइज बढ़ाकर कर देते हैं 1.6 माइक्रॉन, चार पिक्सल को कंबाइन करके। पर यार, यहाँ जो कि कैमरा का सेंसर होता है, उसकी खुद की एक माइक्रॉन मीन्स जो कि एक पिक्सल होती है, उसकी खुद की साइज 20 to 36 माइक्रॉन होती है। मीन्स आप सोच सकते हो कि यार कितना बड़ा पिक्सल है, कितनी अच्छी लाइट आती है। और जितना मीन्स ये अभी आपको बता दूं कि यार जितना छोटा पिक्सल होता है उतना मीन्स अच्छा नहीं रहता, बट जितना बड़ा पिक्सल होता है उतनी अच्छी लाइट कैप्चर कर सकता है। मीन्स अभी ट्रेंड क्या चालू है, मेगा पिक्सल काउंट बढ़ा देते हैं और बाद में पिक्सल पे ध्यान ही नहीं देते, जो कि लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करता फिर। पर अभी आप देखते हो कि यार ओप्पो वगैरह के जो कि फ़ोन से वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, और यार अभी जो कि आया है वो ओप्पो क्लेम करता है 48 मिलियन पिक्सल, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। बस यार, अब समझ लो कि यार वो 48 MP का कैमरा है। यहाँ जो कि मेन कैमरा होता है उसका सेंसर काफ़ी बड़ा होता है, उसको पिक्सल बिनिंग की भी ज़रूरत होती नहीं है, और यहाँ जो कि आपका कैमरा है वो पिक्सल बिनिंग की मदद से पिक्सल बड़ा करता है। सो इसीलिए कहीं कहीं जगह पर जो कि DSLR है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते कैमराज, मीन्स जो कि मोबाइल फ़ोन के कैमराज होते हैं, बट कहीं कहीं पे ही मोबाइल के कैमराज DSLR से भी कंपेयर करते हैं और जीत भी जाते हैं। मीन्स यार, आप सोच सकते हो कि यार, बट अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार DSLR इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज कि अगर आपको एक बड़ा पिक्सल साइज मिलता है, एक बड़ा सेंसर मिलता है और बाद में आपको एक बड़ी डेडिकेटेड लेंस मिलती है, जो कि आप चेंज कर सकते हो, जो कि मोबाइल में जो कि यहाँ इस कैमरा में सेंसर वगैरह और जो भी लेंस है वो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यार वो 3.5 mm इतनी इतनी सी लेंस होती है, वो क्या चेंज करोगे आप? मीन्स ऐसे खोल बिल के ऐसे फ़ोन थोड़ी ना आप चेंज करते बैठोगे, उससे अच्छा DSLR लिया, मस्त बटन दबाया, खोल दिया, लेंस चेंज कर दिया और फोटो भी नहीं। बट यार, यहाँ अगर आप देखते हो कि अभी 2019 में भी ऐसे कोई फ़ोन आए नहीं है जो कि DSLR को कम्पीट कर सके, बट यार DSLR को ही कम्पीट करते जा रहे हैं, जो कि A7R III। सो मीन्स यार, सोनी जो भी कैमराज लेके आता है वो एट द प्राइस सेगमेंट तो बड़ी होती है, बट जो कि क्वालिटी होती है वो टॉप नॉच होती है। सो यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई सुझाव। सो बेसिकली, DSLR को कोई भी कैमरा बीट नहीं कर सकता। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो। फिलहाल के लिए बाय बाय।